इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा Vivo Y95 स्मार्टफोन का, जो Vivo की जानिब से एक बहुत अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको मिलता है 6.22 इंच का HD प्लस नॉच वाला डिस्प्ले, 19:9 के एस्पेक्ट रेशो, 270 की PPI और IPS LCD के साथ। इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो है 88.6%। इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट, एड्रीनो 505 के GPU के साथ। आपको एक अच्छा और बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है और एक अच्छा चिपसेट भी मिलता है, जो आपको अच्छी और फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है, जो आपको एक अच्छा शाइनी, ग्लॉसी और ग्रेडिएंट लुक प्रोवाइड कर देता है। इस मोबाइल फोन की बैक पर आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का 2.2K अपर्चर के साथ और सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का 2.4K अपर्चर के साथ। इस मोबाइल फोन की फ्रंट पर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का एक बड़ा सेल्फी शूटर, जो आता है 2.0K अपर्चर के साथ। ये स्मार्टफोन 4030mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो आपको एक बहुत अच्छा बैकअप टाइम प्रोवाइड कर देती है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलता है, जो कि आता है वीवो के फन टच OS 4.5 की सपोर्ट के साथ। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको FM रेडियो भी मिलता है, 3.5mm का जैक भी मिलता है, जायरो का सेंसर और OTG की सपोर्ट भी मिलती है, और इसकी बैक पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, आपको इसके अंदर टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर आपको मिलती है 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये मोबाइल फ़ोन आपको 2 कलर्स के अंदर देखने को मिलता है, स्टारी ब्लैक और नेबुला पर्पल के अंदर। इंडिया में इसकी प्राइस है तकरीबन 10,000 इंडियन रुपीज़ में, जबकि पाकिस्तान में इसकी प्राइस है तकरीबन 32,000 पाकिस्तानी रुपयों में। ये एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है इन फीचर्स और स्पेक्स के साथ, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको मार्केट में इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन भी मिल सकते हैं। आपको इस प्राइस रेंज के अंदर फुल HD प्लस डिस्प्ले और ज़्यादा अच्छा चिपसेट मिलना चाहिए था, और बैक कैमरा भी मज़ीद बेहतर होने चाहिए थे। हमारे चैनल कमाल की विट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।